आपको एक प्रॉपर रूटीन में काम करना पड़ेगा, एटलीस्ट 15 मिनट तो लगेगा ही, प्लान करके अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो अभी 10 दिन तक आपको क्या करना है, ऑन द डे ऑफ एग्जाम उस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उन दोनों चीज़ों को एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सर आपको ब्रीफ करेंगे कि एग्जाम हॉल पे या घर से एग्जाम हॉल जब पहुंच रहे हैं और पेपर जब आप चालू कर रहे हैं, कई इसमें मैसेज भी आया है, एक इसमें क्वेश्चन भी है इसके रिगार्डिंग जो पूछा गया है, डेवलप गुड माइंड सेट इन एग्जाम हॉल, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा है जिन्होंने पूछा, सर उसको मेंशन कर देंगे, गुड माइंड सेट, एक अच्छा माइंड सेट एग्जाम हॉल में हम कैसे बनाएं, इसके ऊपर प्रश्न। जो माइंडसेट है गुड माइंडसेट, वो ऐसा नहीं कि आप एग्जाम हॉल में बैठे और 10 बजे इनकलकेट हो गया, वो आपको स्टार्टिंग से कैरी करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आपको एक प्रॉपर रूटीन में काम करना पड़ेगा। आप जैसे आपका एग्जाम जो है वो 10 बजे शुरू होता है 10 AM, तो यहाँ पर आपको रेडी होना है। ठीक है, तो मैं पीछे से शुरू कर रहा हूँ कि 10 AM पे आप एग्जाम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, तो आप किसी भी हालत में 9:30 पर अपने सीट पर बैठ गए हों, ये सुनिश्चित करना है। आपके डिस्टेंस आपके एग्जाम सेंटर की 5 किलोमीटर के अंदर हो सकती है या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, इस हिसाब से आप प्रायर प्लान कर लें। जैसे मान लीजिए किसी का एग्जाम सेंटर जो है वो उनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपका जो ट्रेवल टाइम है वो एटलीस्ट 15 मिनट तो लगेगा ही। ठीक है, और ये खुद की कन्वीनियंस से अगर आप जा रहे हैं तो आप ऐसा कुछ मान सकते हैं। ठीक है, इस पे ऊपर नीचे जैसे आप अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम आपको मार्जिन लेना चाहिए, उस हिसाब से आप घर से निकलिए। ये सारी चीज़ें प्लानिंग आपके पहले ही होनी चाहिए ताकि इस समय अननेसेसरी कोई स्ट्रेस ना हो। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग 10:05 पर एग्जाम सेंटर पर पहुँच रहे होते हैं, रोल नंबर ढूंढ रहे होते हैं, और उसके बाद जब आते हैं जो लास्ट जो मार्जिन होता है ना कि आप 15 मिनट तक आ सकते हैं, तो उस समय एंटर कर रहे होते हैं, तो आप सोचिए कि आप उस समय कितने स्ट्रेस में होंगे। उसके बाद आपके पास पेपर आएगा जिससे आपका जो करियर है वो डिसाइड होने वाला है, तो ये अननेसेसरी चीज़ें आप प्लान करके अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप तो सबसे पहले ये टाइम का जो प्लानिंग है एडवांस में कर रखें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक पेन की, ठीक है, या आप स्पेयर पेन्स भी रखें इस पर जरूर, जैसे कि कई लोग प्रेफर करते हैं मोटे नीब वाला पेन जो होता है उससे गोला भरने के लिए, और पतले नीब वाला जो पेन होता है उससे टिक करने के लिए, पेंसिल का रिक्वायरमेंट, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपने टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर रखा है वो एश्योर करें कि आपके पास पहले एक रात पहले, ठीक है, मतलब एकदम माइन्यूट प्लानिंग की बात करो, आप क्या पहनने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपकी एडवांस में प्लान होनी चाहिए। तो पेन हो गया, फिर अगर आपको क्लिपबोर्ड चाहिए तो आप क्लिपबोर्ड ले सकते हैं, तो अगर आप यूज करते हैं सारी चीज़ें, या जनरली एग्जाम में तो डेस्क होता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, फिर तीसरा कि आपको पानी की रिक्वायरमेंट, तो ऐसा है कि अगर आप पानी की बॉटल लेकर जाते हैं, कई जगह बहुत स्ट्रिक्ट जो नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे होते हैं वहाँ तो लेने नहीं दिया जाता, बट मैक्सिमम जगह अलाउड होता है, बस आपके जो पानी के बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब उसमें किसी तरीके का स्टिकर नहीं होना चाहिए इस तरीके के, तो इसको आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ें खास करके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आप नहीं लेके जा सकते, अगर आप घड़ी भी लेके जाएंगे तो इस तरीके की घड़ी अलाउड होगी, ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक जो स्मार्ट वॉच होता है वो अलाउड नहीं होगी। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि एनालॉग वॉच जो होता है वो आप पहन करके जाएं, क्योंकि समय देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके पेपर टू में, जैसा आप जानते हैं आपने प्रिपरेशन कर रखा है कि पेपर टू में समय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट जरूर ध्यान देकर रखेंगे। क्लॉक को सर सेट करने का एक इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा, क्लॉक को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है हमारे हैंड क्लॉक जो होता है वो 5 मिनट या 10 मिनट आगे हो जाता है या पीछे रहता है, कोई भी हो सकता है। एग्जाम जब चालू होगी ना, जब पहला रिंग बजेगा, स्टार्ट द एग्जाम वाला एक रिंग बजता है, देखना हर सेंटर पर होता है, उस टाइम पर अपने क्लॉक पर एक नज़र जरूर रखना कि आपके क्लॉक पर एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, हो सकता है आपके क्लॉक में 10:10 हो रहा हो और अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया और आप कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है अभी तो यार 11 ही बजा है या अभी तो 10:30 ही बजा, पर आप आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे ही रिंग बजेगा क्लॉक को जरूर देख लेना कि आपका क्लॉक के हिसाब से 2 घंटे क्या सेट हो रहे हैं, होता है क्लॉक पे, है ना, 5 मिनट का भी आगे पीछे करना इशू हो सकता है। सपोज करो आपने OMR शीट में पूरा बबल फिलिंग किया ही नहीं है और लास्ट का 5 मिनट आ गया है और आपके क्लॉक में 5 मिनट गलत था, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, टाइम एंड हो चुका है, तो फिर वहां पर आप हड़बड़ा जाओगे। इसलिए अभी आएंगे हम लोग बबल फिलिंग पे भी, बट स्टिल इस चीज को ध्यान रखना कि क्लॉक को अपने बैठते ही रिंग होते ही एक बार जरूर देख लेना ताकि आपका क्लॉक और एग्जाम का क्लॉक साथ में सिंक हो जाए। ओके सर, आगे इसके बाद देखिए, कई लोगों का एग्जाम सेंटर दूर होगा, वो लोग बीच वाले ब्रेक में घर वापस नहीं आ सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपना खाना जो है वो ऑलरेडी पैक करके लेके जा चले जाएं। आपको वहाँ बैग रखने के लिए एक निश्चित जगह होती है, वहाँ आप जाकर के बैग रख सकते हैं अपना। ठीक है, और नहीं तो आप एक दिन पहले अपने एग्जाम सेंटर चेक कर ही रखा है, आसपास खाने की व्यवस्था होती है, आप उस समय पर
खाने का जो भी है व्यवस्था वो देख सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों को वो बीच के दो घंटे में रिविज़न भी करना होता है, आप अपने नोट्स या छोटी किताबें ले जा सकते हैं जो आप नेक्स्ट पेपर, जो पेपर टू है, इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग है, उसके लिए आप यूज़ में ला सकते हैं। और जो वापस आ सकता है या वापस आने का प्लान कर रहा है तो उसके लिए तो वेल एंड गुड, कोई समस्या नहीं है। हाँ, वापस आ करके जाते समय कुछ गलतियाँ होती हैं, उस चीज़ को ध्यान देना। सबसे बड़ी जो गलती होती है कि आपने दो चार क्वेश्चन जो डाइसी थे या जिसपे आपको अप्रॉक्स लग रहा था कि ऐसा ऐसा है, वो आप मोबाइल से चेक करोगे। और हालांकि ये करना ही नहीं चाहिए, आपको एग्जाम के बाद करना चाहिए, बट मेरे को बताइएगा आप लोग करोगे। और इस दौरान क्या होता है, आप गलती से मोबाइल अपने पॉकेट में रख लेते हो और उसको लेकर के एग्जाम सेंटर में पहुंच जाते हो, कई बार ऐसा होता है। तो इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं आप।